बैंक कर्मचारी है वो अपने मैनेजर के जाने के बाद उसने अपने दोनों साथियों को वहाँ बुलाया था। बैंक के सेफ से पैसे निकाले थे, क्योंकि ये पैसे लेके लोग अपने जो इनके गांव में इनका घर है इन्होंने वहाँ उसको छुपाया हुआ था। दमोह जिला में सबसे बड़ी लूट को बैंक कर्मचारी खुद ही लुटेरे निकले। पुलिस की तत्परता और सक्रियता के चलते 42 लाख रुपया और कट्टा जब्त हो गए। दमोह जिला के मगरौन थाना के फतेहपुर चौकी क्षेत्र के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में मंगलवार को रात करीब 8 बजे बैंक लूटवे की खबर आग की तरह फैली। पुलिस तत्काल सक्रिय भई। मौका वारदात पे बड़े अधिकारी पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू भई और कछु घंटा में लूट के आरोपी को पतो लग गयो। वीडियो जारी करत भय पुलिस अधीक्षक ने बताओ कि बैंक लूटबे में बैंक कर्मचारी समेत दो लोगों का हाथ है और लूट की जब पूरी की पूरी घटना प्रायोजित थी। कल शाम की ये घटना है, लगभग 7:15 के आसपास अपने मध्यांचल ग्रामीण बैंक में फतेहपुर चौकी के अंतर्गत जो आता है वहाँ पर ये करीब 40 लाख की लूट बताई गई थी, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि बैंक के अंदर घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की और सेफ से लगभग 40 लाख रुपए की लूट कर ली है। इसमें जब वहाँ पर टीम हमारी पहुँची, फॉरेंसिक की टीम पहुँची, साइबर की टीम पहुँची, तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और इसमें ये पता लगा कि जो बैंक का जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद था जिसके साथ ये घटना हुई है उससे पूछताछ करने पर और जो उसके द्वारा तथ्य बताए गए थे उनकी तस्दीक करने पर ये पता लगा कि ये पूरी घटना उसी के द्वारा उसके दो साथियों के साथ मिलकर ये घटना कारित की गई थी, जिसमें पास के ही दो गांव के उसके दोस्त हैं उनके साथ मिलकर ये घटना प्लान की गई और आपका जो बैंक का परिसर है उसमें इसको कारित किया गया। इसमें ये निकल के आया कि जो बैंक कर्मचारी है वो अपने मैनेजर के जाने के बाद उसने अपने दोनों साथियों को वहाँ बुलाया था। बैंक के सेफ से पैसे निकाले थे, क्योंकि बैंक मैनेजर द्वारा चाबी बैंक में छोड़ दी गई थी और जो कैशियर की चाबी थी वो भी वहाँ अवेलेबल थी, तो उनके कॉम्बिनेशन लॉक से इसने वो पैसे निकाले थे। अपने उन साथियों को वो पैसे इसने उपलब्ध कराए थे और उसके बाद फिर ये पैसे लेके लोग अपने जो इनके गांव में इनका घर है इन्होंने वहाँ उसको छुपाया हुआ था। तो इसमें हमारी पूरी टीम ने लगभग रात भर पूरी मेहनत की और ये पैसे जो है रिकवर कर लिए हैं। इसमें माना जाए कि बैंक के लोग ही इसमें इन्वॉल्व थे। हाँ, इसमें बैंक का जो डेली वेजर के रूप में कार्यरत उनका कर्मचारी है जो देखभाल करता है, चौकीदारी करता है, वो इसमें मुख्य आरोपी है। उसके साथ उसके दो दोस्त जो हैं वो उसके साथ आरोपी बनाए गए हैं। रिकवरी रिकवरी पूरे पैसे की हो गई है, लगभग 41 लाख 90 हज़ार के आसपास कैश अभी हमने गिनती कर ली है। मशीन द्वारा बैंक की जो कैश है उसकी गिनती अभी की जा रही है। जो बैंक का जो चेस्ट है और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी भी अभी हम तस्दीक कर रहे हैं, तो वो अभी फाइनल फिगर अभी हमारे पास नहीं है, थोड़ी देर में वो भी उपलब्ध हो दो जाएगा। आरोपी जो फरार है वो कब तक गिरफ्त में आएंगे? उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो दोनों पकड़े गए हैं। टोटल 3 ही आरोपी थे इसमें। शुरुआत में खबर दी गई थी कि 5 लोगों ने मिलकर बैंक में ये घटना की थी, लेकिन इसमें तस्दीक करने पर पता लगा कि ये 3 ही मुख्य आरोपी हैं। सर क्या घटना है? जो घटना कारित हुई है वो ऐसा पता लगा कि कुछ जो मुख्य आरोपी है उसके पास कुछ पैसे उधार भी थे, तो वो कुछ उधार चुकाने के चक्कर में भी उसने ये घटना कारित की थी और पिछले कुछ टाइम से बैंक में लगातार 5-6 दिन से क्लोजिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा था। रीजनल बैंक द्वारा भी पैसे का जो था कैश आउट वहाँ से नहीं किया गया था, वो काफ़ी पैसा काफ़ी दिन से वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा था, तो ये एक सही मौका था उनके लिए एक बड़े अमाउंट को वहाँ से चोरी करके या लूट करके निकालने का, तो ये पूरी घटना उसी के इर्द गिर्द जो है बनाई गई थी। पुलिस की सक्रियता तत्परता के चलते चंद घंटों में पुलिस ने आरोपी समेत 42 लाख रुपया और एक कट्टा जब्त करी है और ये पूरे मामले में खुद बैंक कर्मचारी आरोपी है। दमोह से अभिषेक जैन, बुंदेली, बोछार के लाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।